तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट। तो ये है एंडिंग एक्सप्लेन्ड पार्ट टू। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया और अभी मैं एक बात बता रहा हूँ, और हमारे यहाँ एक कहावत बहुत ही ज़्यादा मशहूर है कि अगर फ्री में मिले तो इंसान अलकतरा नहीं छोड़ता है। वही जो सड़क बनाने के लिए डार्क मटेरियल यूज़ किया जाता है, तो अब इंसान अगर फ्री में वो मिले ना तो वो उसको भी नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पर तो इतनी बड़ी ऑफर और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी इंसान को कि आपको सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। घूमने के लिए आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आपको ले पिकअप करने के लिए कार आएगी, आपको प्लेन भी दिया जाएगा इसके अलावा, यानी कि प्राइवेट प्लेन। इसके अलावा आपको वहाँ घूमने फिरने के लिए एक रिसॉर्ट में भी आपको बुकिंग करा दी जाएगी, और आपको घूमने फिरने के लिए सब कुछ खर्चा जो है वो कंपनी ही उठाएगी। तो ऐसे में कौन जाना नहीं चाहेगा। तो इसी तरीके से वो अलग अलग पेशेंट्स को कन्विंस करते थे कि आप आइए घूमिए फिरिए, और यहीं से सारा खेल जो है वो शुरू होता है। तो अब यहाँ पर गड़बड़ ये हो जाती है, जैसा कि हमें फिल्म को देखकर समझ में आता है, पता भी चलता है कि ये लोग क्या करते थे कि जो कंपनी है वो सभी का पासपोर्ट जो है वो जब्त कर लेती थी, और सारा खर्चा उनका ही होता था, जैसे कि कार, प्राइवेट प्लेन और इसके अलावा रिसोर्ट वगैरह भी। तो उस वजह से इनके बारे में किसी को कोई जानकारी होती ही नहीं थी कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कहीं घूमने निकले हैं और वापस लौटे ही नहीं। तो ऐसे में अगर उन लोगों के साथ कुछ हो भी जाता तो कोई पूछने वाला भी नहीं था कुछ ऐसा। तो एकदम बहुत ही ज़्यादा शार्प प्लानिंग बनाकर ये अपना काम कर रहे थे इसी तरीके से, और इसी तरीके से ये लगातार अपने काम को अंजाम दे रहे थे। ये करते क्या था, जैसे ही जो पेशेंट या पेशेंट की फैमिली वहाँ पर पहुँचती थी तो ये इनको एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक दिया करते थे, और वो असल में ड्रिंक नहीं होती थी बल्कि वो मेडिसिन होती थी। मतलब जैसा पेशेंट हो उसकी तरीके से, जैसे पेट्रिशिया के कैरेक्टर को जिसको मिर्गी की बीमारी थी, उसको कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक के नाम पर उसको मिर्गी की बीमारी रोकने के लिए मेडिसिन दिया गया था। और हमको ये बात पता भी चलती है कि जिसको बार बार दौरे आते थे मिर्गी के, उसको जैसे ही वो बीच पहुंचती है तो बीच पहुंचने के अगले 8 घंटे तक उसको किसी भी तरीके का कोई दौरा नहीं पड़ता है, यानी कि 8 का डबल 16 घंटे उसको कुछ भी नहीं होता है। हाँ, यानी कि 16 16 यानी कि 16 साल उसको कुछ नहीं हुआ। तो इस तरीके से वो अलग अलग इंसान पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, और इसी तरीके से वो सारी घटना को अंजाम दे रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जो डॉक्टर चार्ल्स का कैरेक्टर है, जो कि हमें बाद में पागल दिखाई देता है, ठीक है, मेंटली अनस्टेबल इंसान, तो शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि वो तो ठीक ठाक था, उसको तो कोई दिक्कत नहीं थी। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जैसे हमें फिल्म में ये बात भी पता चलती है कि इस जो ये डॉक्टर का कैरेक्टर है वो अपनी ज़िंदगी में वैसे भी बहुत ही ज़्यादा परेशान था, क्योंकि वो डॉक्टर था और उसको काम करने का बहुत ही ज़्यादा बोझ और प्रेशर होता था, जिस वजह से वो अनस्टेबल हो गया था। वो मेडिसिन भी ले रहा था और कहीं ना कहीं इसी की वजह से वो उनके चंगुल में फंस गया, वॉरेन एंड वॉरेन कंपनी के चंगुल में, और वो उसको यहाँ पर लेकर आया गया और बरेली का बकरा बना दिया गया, और उसकी वजह से के सारे लोग बलि का बकरा बन गए। अब यहाँ पर ग्रुप 73 में हमको ग्रुप 72 के भी 2 मेंबर नजर आते हैं, वही दरअपर जिसके नाक से हमेशा खून बहने लगता है। इसके अलावा एक लड़की जो उसके साथ घूमने आई हुई रहती है, वो डूब कर मर जाती है। दोनों को ही बीमारी थी और दोनों ही यहाँ पर आए हुए थे मस्ती मजा करने के लिए, लेकिन उनको यही चीज थोड़ा भारी पड़ गया। अब यहाँ पर ग्रुप 73 में हमको 3 फैमिलीज नजर आती हैं। पहला तो गाय और ट्रेस्का की फैमिली, जहाँ पर मेडोक्स और ट्रेंट हमें नज़र आते हैं। तो इस फैमिली में हमको देखने को मिलता है कि जो ट्रेस्का है उसको ट्यूमर था यहाँ पर किडनी के पास में, और जिसको वो निकालने में कामयाब तो हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इंसान के शरीर पर यहाँ पर टाइम का कुछ अलग ही तरीके से असर होता है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है तो ट्यूमर बढ़ता चला जाता है, जिस वजह से उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती चली जाती है, और ऊपर से उम्र भी बढ़ रही थी तो बुढ़ापा भी आ रहा था। लेकिन चूंकि ट्यूमर जल्दी बड़ा हो गया और उस पर जल्दी कुछ असर नहीं पड़ा, और वहाँ पर मतलब अच्छी बात ये होती थी कि टाइम इतनी स्पीड से बढ़ता था तो घाव भी काफ़ी जल्दी भर जाया करते थे। उस वजह से जब उन्होंने उसके शरीर को चीर फाड़ किया तो उसके बाद जब वो ट्यूमर निकाल रहे थे तो फटाफट उन्होंने ट्यूमर निकाल भी दिया, और जो जहाँ तक चीरा लगाया था वो भी आपस में जुड़ गया और उसकी जान भी बच गई। इसके अलावा हमको यहाँ पर और एक फैमिली देखने को मिलती है चार्ल्स का, जिसमें उसकी बेटी जो है कैरा, वो
प्रेग्नेंट हो जाती है, और यहाँ पर क्योंकि टाइम पीरियड इतना जल्दी जल्दी बीत रहा था तो वो बहुत ही जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती है, और बच्चा जो है यहाँ पर वो मर इसलिए जाता है क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो उस हिसाब से ढली नहीं हुई होती है, और बच्चा बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है और टाइम पीरियड इतनी जल्दी बढ़ रहा होता है जिस वजह से अलग अलग बीमारियाँ अलग अलग तरह की चीज़ें उसके शरीर पर असर करने लगती हैं, और उसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, और चूंकि वो सिर्फ एक दिन का ही बच्चा था तो उसी वजह से उसने इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया, और 1 मिनट तक वो किसी तरीके से ज़िंदा रह पाया, यानी कि 1 मिनट आप मान के चलो कि करीबन 1 महीना 2 महीना या 6 महीना भी मान के चलो तो बहुत है, इसी वजह से उसकी मौत हो गई। और प्रेग्नेंट, यहाँ पर प्रेग्नेंट से याद आया, यहाँ पर एक मज़ेदार किस्सा हमको सुनने को भी मिलता है कि जो ट्रेन का कैरेक्टर है वो बोलता है कि प्रेग्नेंट होने के लिए तो 20 बार करना पड़ता है ना, तो उसका पिता जो है गाय उसको समझाता है 1 बार करने से भी हो सकता है, मेहनत और लगन होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा यहाँ पर दिमाग नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें चार्ल्स की फैमिली देखने को मिलती है जहाँ पर जो कैरा की माँ है वो भी एक तरीके से पागल जैसी ही हो जाती है क्योंकि उसका चेहरा बिगड़ जाता है उम्र की वजह से, और यहाँ पर चार्ल्स हमें नज़र आता है कि वो पूरी तरीके से पागल होता जा रहा था, और धीरे 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 जिस तरीके से वक्त बीतता जा रहा था उस वजह से उसने रैपर को भी जान से मार दिया और गाय पे भी हमला किया, पर ट्रेस्का की सूझबूझ की वजह से वो एक जंग लगा लोहे से उसको मार देती है जिसके वजह से उसके शरीर में इन्फेक्शन होने लगता है और वो मर जाता है। इसके अलावा हमें जेरिन और पेट्रिशिया देखने को मिलती है। जेरिन तो वो खुद को बचाने के लिए अपने जो भी सारे ग्रुप को बचाने के लिए वो बाहर जाने की तो कोशिश करता है समुद्र के रास्ते से क्योंकि चट्टानों से तो जा नहीं सकते, बेहोश होकर बार बार गिर रहे हैं, तो वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश तो करता है लेकिन वहाँ पर इतना प्रेशर और दबाव होता है जिस वजह से उसकी जान चली जाती है और वो मर जाता है। तो इस तरीके से सबकी जान चली जाती है, तो जेरिन की जान चली गई। उसके बाद यहाँ पर पेट्रिशिया जो है 8 घंटे बाद उसको वापस से मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं और उसको बचाने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं होता है जिस वजह से उसकी जान चली जाती है, तो वहाँ भी उनकी जान चली गई। अब दो लोग गायब हो गए और यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि जो कैरा की माँ है वो भी मर गई और कैरा जो है वो चट्टान पर चढ़ते चढ़ते बेहोश होकर मर जाती है। अब चार्ल्स जो है उसको इन्फेक्शन ने मार दिया। इसके अलावा अब बचता है किसकी फैमिली, ट्रेंट की फैमिली। तो ट्रेंट की फैमिली में हमें देखने को मिलता है गाय और ट्रेस्का जो अपनी उम्र के वजह से अब कुछ नहीं कर पाते हैं, उम्र ढल रही थी, वक्त बीत रहा था।